तो आर्मी कहने को बांगतन बॉयज दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी आप लोगों को एक्सेप्ट करनी होगी कि BTS मेंबर्स की किस्मत में ग्रहण लगा हुआ है। आर्मी पिछले कुछ टाइम से लगातार खुश रह ही नहीं पाती, कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी, कोई ना कोई स्कैंडल हो ही जाता है। अब देखो ना, BTS मेंबर शुगा को लेकर एक महीने से फैंस परेशान थे कि शुगा BTS के पॉप छोड़ देंगे। तो कभी कभी BTS मेंबर वी को लेकर भी खबर आई कि कंपनी उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है, तो वो भी छोड़ सकते हैं। पर फाइनली दोनों मेंबर्स को लेकर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब एक और मेंबर इसी तरह की कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और ये न्यूज सुबह से वायरल हो रही है कि इस BTS मेंबर के साथ भी कंपनी अच्छे से बिहेव नहीं कर रही और दोनों के बीच कोई फाइट चल रही है, जिसकी वजह से शायद ये मेंबर भी BTS को छोड़ सकते हैं। और ये मेंबर कोई और नहीं बल्कि एल्डेस्ट मेंबर आर्मी के यूनिवर्स कहे जाने वाले जिन हैं, जिन्हें लेकर आज फैंस ने बिग हिट के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग सोच रहे हो कि आखिरकार जिन और बिग हिट के बीच ऐसा क्या हुआ है कि फैंस जिन को कंपनी को छोड़ने की डिमांड कर रहे हैं। तो आर्मी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा BTS मेंबर जिन को अब मिलिट्री से बाहर आए ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो चुके हैं। इस बीच BTS मेंबर जिन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो लगातार मिलिट्री से आने के बाद काम कर रहे हैं, आर्मी के लिए नया नया कंटेंट शूट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि बिग हिट की तरफ से जिनके इन सभी कंटेंट का, जिनकी इन सभी एक्टिविटीज़ का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर आप लोग बिग हिट का इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे, टिकटॉक अकाउंट देखोगे, यूट्यूब अकाउंट देखोगे, तो आपको कहीं भी जिनका कोई प्रमोशनल इवेंट नहीं मिलेगा, जिसके बाद फैंस को लगता है कि एक बार फिर से बिग हिट जिनको इग्नोर कर रही है, उन्हें प्रमोट नहीं कर रही। और इसी वजह से 2-3 महीनों में जिनको लेकर एक भी पोस्ट बिग हिट के अकाउंट से नहीं किया गया, जो फैंस को बहुत ज्यादा नाराज कर रहा है कि अगर जिनकी कंपनी के अंदर कोई वैल्यू नहीं तो जिनको कंपनी को या फिर BTS को छोड़ देना चाहिए, वो अपना सोलो करियर पर फोकस करेंगे। अब देखने हैं बिग हिट का फैंस की इस आर्ग्यूमेंट पर क्या कहना है। लेकिन तब तक आप लोगों को इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।